हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को युग्मक जनन अथवा गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत आने वाले अंड जनन या ऊजेनेसिस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक विशेष आग्रह है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत शुक्राणु जनन यानी शुक्र जनन और अंडाणु जनन यानी अंड जनन आते हैं। इसमें से पिछले वीडियो में मैंने शुक्र जनन के बारे में अथवा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिटेल से बताया था। आज के वीडियो में आप लोगों को अंड जनन या ऊजेनेसिस के बारे में बताऊंगा। तो नर के वृषण में शुक्राणु के बनने की क्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता था। उसी प्रकार से मादा के अंडाशय में अंडे के निर्माण की क्रिया को अंड जनन या ऊजेनेसिस कहा जाता है। मतलब ये कि मादा जंतुओं के अंडाशय को स्तरित करने के लिए स्तरित करने वाली जनन एपिथीलियम या जर्मिनल एपिथीलियम जो होता है कि जनन कोशिकाओं से अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि जब मादा के अंडाशय में अंडे बनते हैं यानी अंडे बनने की क्रिया को ही अंड जनन कहा जाता है या ऊजेनेसिस कहा जाता है। इसके फलस्वरूप एक कोशिका से एक डिंब या अंडाणु बनता है। जब अंड जनन हो जाता है तो एक कोशिका से एक डिंबाणु या एक डिंब अथवा अंडाणु बनता है या अंडाणु का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं से आधी होती है। यानी गुणसूत्रों की संख्या जो जनक कोशिकाएँ होती हैं, जो जनन कोशिकाएँ होती हैं, उनसे आधी रह जाती है। अंड जनन की क्रिया जनन काल के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है, और जब जनन काल शुरू होता है 12 से 13 वर्ष की आयु में तो अंड जनन की क्रिया तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है, ताकि आने वाले जनन काल में परिपक्व अंडाणु तैयार हो सकें, ताकि जो आगे आने वाला जनन काल है उस पर परिपक्व अंडाणु या मेच्योर अंडाणु तैयार हो सकें, बन सकें। अंड जनन की पूर्ण प्रक्रिया को तीन प्रवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तो इस अंड जनन की प्रक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? गुणन प्रवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि प्रवस्था या ग्रोथ फेज, और परिपक्वन प्रवस्था या मैच्योरेशन फेज। जैसे मैंने नर में बताया था आप लोगों को कि शुक्र जनन को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, वैसे ही अंड जनन को भी तीन प्रवस्थाओं या तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। तो हमने आपको नाम भी बता दिए हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो सबसे पहले गुणन प्रावस्था को समझ लेते हैं या मल्टीप्लिकेशन फेज को समझ लेते हैं। तो अंडाशय को स्तरित करने वाली प्रारंभिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर संख्या बढ़ाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अंडाशय को स्तरित करने वाली जो कोशिकाएँ होती हैं, ये प्रारंभिक जनन कोशिकाएँ समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाती हैं और विभाजित होकर के संख्या को बढ़ाती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को ऊगोनिया या अंड कोशिकाएं कहा जाता है, अर्थात इस प्रकार से जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें ऊगोनिया या अंड कोशिकाएं कहा जाता है, अथवा अंग्रेजी में कहें तो एग सेल कहा जाता है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ऊगोनियम का, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये गुणन प्रावस्था है, इसमें अंडाशय को स्तरित करने वाले प्रारंभिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हो गई हैं और विभाजित होकर के संख्या को बढ़ाए हैं। इस प्रकार से बनी कोशिकाओं को ही उगोनिया कहा जाता है या अंड कोशिकाएं कहते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहें तो एग सेल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से गुणन प्रावस्था हो जाएगी। अब आते हैं वृद्धि प्रावस्था पर या ग्रोथ फेज पर। तो वृद्धि प्रावस्था क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। गुणन प्रावस्था में बनी अंड कोशिकाएं, यानी जो पहले गुणन प्रावस्था थी, मल्टीप्लिकेशन फेज थी, उसमें जो कोशिकाएं बनी थी, तो बनी अंड कोशिकाएं या ऊगोनिया पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में बढ़ती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो गुणन प्रावस्था की कोशिकाएं थीं, ये क्या हो गई हैं कि पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में बड़ी हो गई हैं। निश्चित आकार तथा वृद्धि करने के बाद ये विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं, और जब एक इनका निश्चित आकार हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो ये विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं। प्रत्येक कोशिका अब प्राथमिक अंडक या प्राइमरी ऊसाइट्स कहलाती है।
तो इसमें से जो प्रत्येक कोशिका है वो प्राथमिक अंडक अथवा प्राइमरी ऊसाइट्स कहलाती है। जैसा कि ऊसाइट्स चित्र में आपको दिख रहा है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज की कोशिका होती है, तो प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है? प्राथमिक अंडक या प्राइमरी ऊसाइट कहलाती है। किंतु सभी उगोनियाँ प्राथमिक अंडक कोशिकाएं नहीं बनती हैं, लेकिन सभी नहीं बनती हैं, कुछ बन जाती हैं। सभी कोशिकाएं क्या बताया कि प्राथमिक अंडक कोशिकाएं नहीं बनती हैं, इनमें से कुछ छोटी रह जाती हैं। कुछ तो बड़ी होकर के प्राथमिक अंडक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, लेकिन कुछ छोटी ही रह जाती हैं और पुटक कोशिकाएँ या फॉलिकल कोशिकाएँ कहलाती हैं। तो जो छोटी रह जाती हैं उन्हें पुटक कोशिकाएँ या फॉलिकल कोशिकाएँ कहा जाता है, छोटी वाले की, या फॉलिकल सेल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से वृद्धि प्रावस्था हो जाएगी, ग्रोथ फेज हो जाएगी। अब आते हैं अंडजनन या ऊजेनेसिस के तीसरी अवस्था, परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज पर। तो इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, जैसे शुक्रजनन में दो भागों में बांटा गया था, वैसे इसमें भी दो भाग किए गए हैं, प्रथम परिपक्वन विभाजन और द्वितीय परिपक्वन विभाजन। तो सबसे पहले प्रथम परिपक्वन विभाजन को समझ लेते हैं क्या होता है, यानी फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन को समझ लेते हैं क्या होता है। प्राथमिक अंडक में प्रथम परिपक्वन विभाजन अंडरोपण के समय होता है, यानी जो प्राथमिक अंडक होते हैं उसमें प्रथम परिपक्वन विभाजन जो होता है वो अंडरोपण के समय होता है, यानी जब अंडे का रोपण होना होता है उस समय होता है। यह विभाजन अर्धसूत्री होता है, यानी यह विभाजन कैसा होता है? मायोटिक होता है। इसके फलस्वरूप गुणसूत्र दो बराबर समूहों में बट जाते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके बाद क्या होता है? गुणसूत्र दो बराबर समूहों में बट जाते हैं, दो बराबर भागों में बट जाते हैं और दो अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। तो बराबर भागों में बट करके दो अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, और जब एक कोशिका में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या आधी ही रह जाती है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक कोशिका में जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। इनमें से एक कोशिका छोटी हो, यानी एक कोशिका कैसी होती है? छोटी होती है, तथा प्रथम ध्रुव कोशिका या प्रथम पोलोसाइट तथा बड़ी कोशिका द्वितीय अंडक कहलाती है। तो इनमें से जो एक कोशिका छोटी होगी उसे प्रथम ध्रुव कोशिका कहेंगे, अथवा प्रथम पोलोसाइट कोशिका कहेंगे, या फर्स्ट पोलर बॉडी अथवा फर्स्ट पोलोसाइट कहेंगे। और जो बड़ी वाली कोशिका होगी उस कोशिका को द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी ऊसाइट कहेंगे। यानी इस प्रकार से प्रथम परिपक्वन विभाजन हो जाएगा, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन हो जाएगा। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि प्राथमिक अंडक में प्रथम परिपक्वन विभाजन अंडारोपण के समय होता है, या विभाजन अर्धसूत्री विभाजन यानी होता है। इसके बाद गुणसूत्र दो बराबर समूहों में बट जाते हैं, दो बराबर भागों में बट जाते हैं और दो अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं, बराबर भागों में बट करके अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी मात्र कोशिका से गुणसूत्रों की संख्या आप जो कोशिकाएँ बनी उनमें आधी रह जाती है। इनमें से एक कोशिका जो छोटी होती है उसे प्रथम ध्रुव कोशिका अथवा प्रथम पोलोसाइट, या अंग्रेजी में कहें तो फर्स्ट पोलर बॉडी अथवा फर्स्ट पोलोसाइट कहा जाता है, जबकि जो बड़ी कोशिका होती है उसे द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी ऊसाइट कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो आप चित्र देख रहे हैं यह है फर्स्ट पोलर बॉडी, और दूसरी वाली को यानी जो बड़ी वाली कोशिका होती है उसे द्वितीयक अंडक कोशिका या सेकेंडरी ऊसाइट कहा जाता है। अब आते हैं द्वितीयक परिपक्वन विभाजन पर या सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन पर। तो यह विभाजन लगभग उस समय होता है जब अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंचता है, यानी जब अंडाशय से अंडा निकल करके अंडवाहिनी में पहुंचता है। अंडवाहिनी मतलब ओविडक्ट या फैलोपियन नलिका में पहुंचता है, तथा उस समय तक पूर्ण नहीं होता है जब तक कि शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर जाता है, और तब तक कि ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है जब तक कि उसमें शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाता है या नहीं कर जाता है। यह विभाजन समसूत्री होता है, जो अंडवाहिनी में विभाजन होता है यह समसूत्री होता है। इसके फलस्वरूप भी एक छोटी कोशिका, यानी जब ऐसा होता है तो एक छोटी कोशिका का निर्माण होता है जिसमें जिसे द्वितीय ध्रुव कोशिका या सेकेंड पोलोसाइट कहा जाता है, तथा बड़ी वाली कोशिका को परिपक्व अंडाणु या मैच्योर ओवम कहा जाता है। प्रथम ध्रुव कोशिका भी कभी कभी दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी प्रथम ध्रुव जो कोशिका होती है वो कभी कभी दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है।
इसके बाद ध्रुव कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से द्वितीयक परिपक्वन विभाजन जब अंडवाहिनी में अंडाणु पहुंच जाता है वहां होता है, और जब शुक्राणु उसमें प्रवेश कर जाता है तब वहां पर समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं इसमें भी बनती हैं, और छोटी वाली कोशिका को द्वितीय ध्रुव कोशिका या सेकेंड पोलोसाइट कहा जाता है। इसी प्रकार बड़ी वाली कोशिका को परिपक्व अंडाणु कहा जाता है। प्रथम ध्रुव कोशिका भी कभी कभी क्या होता है कि दो कोशिकाओं में बट जाती है, और इसके बाद ध्रुव कोशिकाएं धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये ऊजेनेसिस या अंडजनन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अंडजनन का मतलब हुआ कि जब मादा में अंडे का निर्माण होता है, यानी अंडे के निर्माण की क्रिया को ही अंडजनन कहा गया, और इसे तीन भागों में बांटा गया, गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज, और तीसरा था परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज। तीनों को मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया। आशा है आप लोगों को अंडजनन या ओजेनेसिस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।